फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां मैं आपको बताती हूं एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी और साथ ही बेल बटन पर क्लिक कर दी ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो आज की मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ HSBTE यानी हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं डिप्लोमा के 1 अक्टूबर से। तो उसके इंस्ट्रक्शंस आए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो देखते हैं कि उसके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जो आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले हैं 1 अक्टूबर से। उसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो नोटिफिकेशन है क्या। तो देखिए, नोटिफिकेशन आपका जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 1 अक्टूबर को, तो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है। सबसे पहले लॉगिन टाइम, तो लॉगिन टाइम विल बी 15 मिनट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट एग्ज़ाम। जब आपका कोई जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन, उससे आपके 15 मिनट पहले, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आप लोगों को लॉगिन करना है। वो आपका लॉगिन टाइम है, जो आपकी टाइम दिया है एग्ज़ाम स्टार्ट होने का, उससे जो 15 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है वो आपका लॉगिन टाइम है। फिर दूसरा री लॉगिन या रिज्यूम टाइम, अगर आपका जो कनेक्शन है वो लॉस हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, या कनेक्शन नहीं आ रहा, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो री लॉगिन टाइम होगा वो होगा 3 मिनट्स का। आपको 3 मिनट्स मिलेंगे री लॉगिन करने के लिए, तो आप उसको री लॉगिन कर सकते हैं। फिर अटेम्प्टिंग टाइम, फिर जो आपका सब्जेक्ट कोड है 120222 एंड 120226 हैविंग 25 MCQ, जो आपका सब्जेक्ट कोड है 120222 और 120226, इसका आपको 25 MCQs आएंगे और आपको वो 25 MCQ के लिए 23 मिनट्स का टाइम मिलेगा उसको अटेम्प्ट करने का। ऑल अदर सब्जेक्ट कोड, इसके अलावा जो आपके दूसरे सब्जेक्ट कोड है उसमें 50 MCQs आएंगे और उसको आपको करने के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे। फिर दूसरी चीज़ है मार्क्स की, ईच MCQ विल कैरी 1 मार्क ईच। जो आपके MCQs हैं जितने भी आ रहे हैं वो सब एक एक नंबर के होंगे, और जो आपके मार्क्स हैं वो आपको एज़ पर आपके स्टडी स्कीम ही मिलेंगे। आप जितने सही करेंगे आपको उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे टोटल मार्क्स में से। अब 5.21 में क्या है, बहुत से छात्रों ने सूचित किया कि एग्ज़ाम पूरा होने पर एंड टेस्ट बटन पर क्लिक करना भूल गए थे। इस अवस्था में यदि कोई भी छात्र एंड टेस्ट बटन पर क्लिक करना भूल जाए या समय समाप्त होने के कारण एंड टेस्ट बटन क्लिक ना कर पाए तो छात्र को घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम टाइमिंग पूरा होने पर टेस्ट अपने आप ही सबमिट हो जाएगा, परंतु सक्सेसफुली सबमिटेड मैसेज नहीं आएगा। तो अगर कोई जो स्टूडेंट है वो एंड टेस्ट पे है ना बटन पे क्लिक नहीं कर पाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, बस आपके पास सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज नहीं आएगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपका जो एग्ज़ाम पेपर है, ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर है, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। फिर बहुत से छात्रों ने सूचित किया है कि एग्ज़ाम देने के लिए लॉगिन नहीं हो रहा था और एक्सपायर्ड का मैसेज दिख रहा था, तो छात्रों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के डेट शीट में दर्शाए गए समय के शुरू के 15 मिनट में ही छात्रों को लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद परीक्षा का समय 45 मिनट का होगा। यदि कोई छात्र 15 मिनट की अवधि में लॉगिन नहीं करता है तो छात्र एग्ज़ाम के लिए लॉगिन नहीं कर पाएगा, और एग्ज़ाम का समय समाप्त हो जाने के बाद भी छात्र लॉगिन या रिज्यूम नहीं कर पाएगा। परीक्षा के दौरान बचे हुए मिनटों को टाइमर प्रदर्शित करेगा। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, जो आपका एग्ज़ाम है, आपको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है आपको 15 मिनट्स पहले ही लॉगिन करना है। आप 15 मिनट्स के बाद लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो वो एक्सपायर्ड आएगा या आपका फेल आएगा, उस पर लिखा हुआ कि आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग लॉगिन 15 मिनट्स पहले करना है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, ताकि आप ईजी लॉगिन कर पाओ। और एग्ज़ाम का जो आपका टाइम है 45 मिनट्स रहेगा, उसके बाद भी लॉगिन नहीं होगा, और आप सोचो कि बाद में एग्ज़ाम दे दें तो नहीं होगा। जो आपका टाइमिंग दिया है 45 मिनट्स, उसके अंदर ही आपको आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट करना है। अब बहुत से छात्रों ने सूचित किया है कि कैमरा माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा था। इस अवस्था में वे छात्र किसी दूसरे डिवाइस लैपटॉप से निर्धारित लॉगिन समय 15 मिनट के 15 मिनट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप जिस डिवाइस से आप लॉगिन करने बैठे हैं, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी, उससे अगर आपको लॉगिन नहीं हो रहा तो आप अपने डिवाइस चेंज करके आप लॉगिन कर सकते हैं।
लेकिन आपको वो 15 मिनट्स के अंदर ही लॉग इन अपना करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है छात्र उसी मोबाइल नंबर से एग्ज़ाम दे। छात्र किसी भी मोबाइल और किसी भी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। ये मेन पॉइंट है कि अगर आपने जिससे रजिस्ट्रेशन करा था ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, अगर वो मोबाइल नंबर आपका नहीं है तो आप दूसरे मोबाइल नंबर से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और कोई सा भी मोबाइल आप यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ें, बहुत से छात्रों ने सूचित किया है कि एग्ज़ाम के बीच किसी कारणवश लॉग आउट हो गया था। इस अवस्था में छात्र उसी डिवाइस या किसी अन्य डिवाइस पर 3 मिनट के अंदर दोबारा रीलॉगिन कर सकता है, परंतु 3 मिनट के बाद छात्र दोबारा एग्ज़ाम के लिए रीलॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर आपका बाय चांस अगर आपने लॉगिन करा है फिर आप लॉग आउट हो गए वहाँ से, तो आप दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर सकते हैं या उसी डिवाइस से फिर से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन 3 मिनट्स के अंदर ही आपको लॉगिन करना है, नहीं तो फिर से रीलॉगिन नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट है, बहुत से छात्रों ने सूचित किया है कि 5 बार वार्निंग आने के बाद पेपर अपने आप ही सबमिट हो गया था तथा दोबारा लॉगिन करने पर एक्सपायर दिखा रहा था। ऐसे छात्रों को दोबारा सूचित किया जाता है कि वे एग्ज़ाम के दौरान ब्राउज़र को दोबारा खोलने की कोशिश ना करें। कुछ जो जिस बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था उन्होंने ये अपनी कंप्लेन करी थी कि उनको 5 बार वार्निंग मिलने के बाद उनका जो एग्ज़ाम पेपर है वो सबमिट अपने आप हो गया था, फिर उन्होंने लॉगिन करा वो एक्सपायर्ड बता रहा था। तो ऐसा क्यों है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, तो उन्होंने वही बताया है। ऐसे छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे एग्ज़ाम के दौरान ब्राउज़र को दोबारा खोलने की कोशिश ना करें और रिफ्रेश ना करें। इनकमिंग कॉल आने पर उसे डिक्लाइन रिजेक्ट करें और SMS व्हाट्सएप मैसेज को ना खोलें। फिंगर से स्क्रीन से ज़्यादा ऊपर नीचे भी ना करें, अन्यथा आपको वार्निंग आएगी। इनमें से किसी भी कारण 5 बार वार्निंग आने के बाद पेपर अपने आप ही सबमिट हो जाएगा। क्वेश्चन को पूरा करने के बाद प्रीवियस नेक्स्ट विकल्प का ही इस्तेमाल करके एग्ज़ाम दे तथा भूल कर भी पूरी परीक्षा समाप्त होने से पहले एंटर बटन को क्लिक ना करें। तो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप सिर्फ प्रीवियस और नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपको सिर्फ उसी का आपको इस्तेमाल करना है, उसी का यूज़ करना है। एंड टेस्ट को आप बिल्कुल भी टच ना करें, क्योंकि अगर आप वैसा कर दें तो आपका जो एग्ज़ाम है वो सबमिट हो सकता है और फिर आप दोबारा लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये रहे आपके HSBT ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। इनको फॉलो करिए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।